फाइन से। अभी बस ब्राइट आइडिया रात को आया था, मैं बोला जी सर को सवेरे बताता हूँ। अच्छा कहाँ गए थे? कहीं नहीं गया था, मैं आपको कल ऑफिस में बैठा था, फिर वहां से निकला तो मुझे एक आइडिया आया जो कि आपको शेयर करना जरूरी है। अच्छा बताइए बताइए। आप उठ गए सर? हाँ हाँ अभी जस्ट उठे, उठ गए। आप जो सेक्शन 39 बता रहे थे ना सर, सीआरपी से अपन डिस्कस करते ना सेक्शन 39 से, तो वो तो मैं आके आपसे डिटेल डिस्कशन करूंगा। अपन तो एक चीज है उसमें वर्कआउट ये करिए, मैं देख रहा था कि ये जो दो एक धारा मैंने बताया था आपको, ATCPC सर, ATCPC में टाइम लॉकिंग है ना, दैट इज द 2 मंथ लॉकिंग इज देयर। मुझे आया मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। बताइए हाउ टू यूज दिस सेक्शन इन टैंडम। ओके ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, यू अंडरस्टैंड, वेरी ट्रू, इट कैन बी यूज सिक्वेंशियली एट अप्रोप्रिएट टाइम। यस सर, एंड इट विल बी हैपनिंग कॉन्करेंटली टू Concurrently, independently सब कुछ हो सकता है एट ए डिफाइंड इंटरवल जो कि एज पर द लॉ। हाँ मैं जो बोल रहा था जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को बताऊँ, कल मैंने दोनों सेक्शन निकलवाया था और दोनों को स्टडी कर रहा था तो बता रहा था आपको। क्या है कि इट बोथ द सेक्शंस एम्पावर्स द कॉमन मैन और पब्लिक टू ओपन ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन। ओके हाउ? 39 आपको एम्पावर करता है कि सारे हीनियस ऑफेंसेस को आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो दो आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, टू आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वन इज द कोवर्ट आर्म, द अदर इज द ओवरट आर्म। जितने भी IAS ऑफिसर्स है सर, सिविल सर्वेंट्स है माइनस द पुलिस, पुलिस बैरिंग टू द पुलिस इज एन एक्सेप्शन, मैं IPS में बात भी कर रहा हूँ, पुलिस एन एक्सेप्शन बोल रहा हूँ। तो ये सब है जो ओवर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप उनके एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे, दे आर नॉट विजिबल। ठीक है, कलेक्टर कभी पार्शियली विजिबल होता है, बट दे आर नॉट विजिबल टू द पब्लिक एट 24/7। पहले हम कहते हैं कि गवर्नमेंट, क्योंकि 24/7 गवर्नमेंट जब करते लोग, इसलिए 24/7 ऑन ड्यूटी, बट दे आर नॉट विजिबल टू एवरीवन 24/7। ठीक है, जो ओवरट आर्म है सर, ये ओवरट आर्म हो गया सर, जो ओवरट आर्म है ऑफ द गवर्नमेंट वो है पुलिस एंड द डिफेंस फोर्सेस एंड द इमरजेंसी सर्विसेस, बेसिकली पुलिस, डिफेंस फोर्सेस एंड द इमरजेंसी, ये दूसरा आर्म है जो कि ओवरट आर्म है, हु आर सपोज टू बी विजिबल टू द पीपल 24/7। आप हॉस्पिटल में आते हैं, डॉक्टर आपको विजिबल हो जाएगा, फायर सर्विसेज में आइए, फायरमैन आपको विजिबल हो जाएगा, पुलिस के पास थाना जाइए। और हमारे क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, इसलिए सारा जो जो पब्लिक राइज करती है ना, वो पुलिस के अगेंस्ट में राइज करती है। पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली थाना के घेराव होता है। नहीं, वो रोड का जाम करता, थाना का घेराव नहीं करता है। थाने का घेराव तब करता है या पुलिस एट्रोसिटी होती है या पुलिस कस्टडी में डेथ होती है। नहीं, या पुलिस की अकर्मण्यता होती है, इन दो सिचुएशन को छोड़ के बाकी किसी में थाने का घेराव मैंने तो नहीं देखा। वो कहीं दूसरी जगह घेराव करती है जिसमें पुलिस को इन्वॉल्व होना होता है। सुनिए मुझे, ठीक है सर, आपने रेज किया, मैं उसका आंसर करता हूँ। क्या होता है कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, तो सड़क जाम करते हैं। ठीक है, चक्का जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे तो पुलिस की इंटरवेंशन होगा वहां पे। ठीक है, इट विल क्रिएट ए सिचुएशन व्हिच विल नेसेसिटेट इंटरवेंशन ऑफ पुलिस। करेक्ट, पुलिस एंड अगर पुलिस ने वहां किसी को नोकझोंक हो गई, पुलिस ने किसी को थप्पड़ मार दिया, लाठी चार्ज कर दिया, तो नेक्स्ट टारगेट ही पुलिस स्टेशन। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, वो भी भोपाल का, यदि इफ यू आर कंफर्टेबल। हाँ बिल्कुल सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। बेसिकली आई डोंट नो वेदर यू रिकॉल ऑन दैट, 95-96 उसके पहले जो है, देयर वाज ए कल्चर ऑफ चक्का जाम इन भोपाल। तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी, चक्का जाम हो जाता था, और वो शायद नेतागिरी को चमकाने का एक तरीका भी था, राइट? और इन फ्यू केसेस वी फाउंड दैट के बच्चे जो है वो
एग्जामिनेशन के लिए नहीं पहुंच पाए, कुछ लोगों को जो है ना एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए, तो देन वी टुक ए पॉलिसी डिसीजन के कोई चक्का जाम नहीं होगा, राइट। हमने कंसर्निंग लोगों को बताया कि देखो यदि आप चक्का जाम करोगे तो देर विल बी सर्टेनिटी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफेंस, यू विल बी अरेस्टेड अंडर 151 ऑल्सो, एंड उस समय रिलीज हमारे कंट्रोल में थी, वी वर हैविंग सच ए गुड अंडरस्टैंडिंग विद द कलेक्टर दैट जब तक मैं नहीं कहता था तब तक 151 में रिलीज नहीं होती थी, राइट। सो आई सेड कि हम तुमको अंदर भी रखेंगे, राइट, बट एट द सेम टाइम वी आर हैविंग फुल सिंपैथी विद यू, राइट। अच्छा, हमारे पुलिस वालों को बहुत उचक उचक के बात करने वाली बात होती थी, जैसे उन्होंने कहा कि वो नेगोशिएट करने पहुंच जाते थे, जैसे किसी ने कहा कि पानी नहीं आ रहा है तो वो कहेंगे अच्छा 3 दिन में पानी आ जाएगा। आई सेड कि पुलिस ये नहीं करेगी, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस ट्रस्ट डिफिसिट पैदा कर रही है। यदि यदि पुलिस कहती है और 3 दिन बाद पानी नहीं आता जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप पब्लिक के सामने झूठे साबित हो रहे हैं। सो आई सेड कि जो इंटरफेस होगा वो उस एग्जीक्यूटिव बॉडी का होगा जिसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वी विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन बट ही हैज टू मेक कमिटमेंट। यदि वो कहता है कि 3 दिन में हम कर देंगे तो हम उसको 2 दिन और दिलाएंगे, लेकिन यदि 5 दिन बाद नहीं होगा तो फिर हम लोगों को इकट्ठा करके तेरा घेराव कराएंगे। मतलब वी विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन हरासिंग यू एंड मेकिंग यू फोर्स, राइट। तो दैट वर्क्ड एंड आई फेल्ट दैट आई कुड वेरी इफेक्टिवली किल द कल्चर ऑफ चक्का जाम इन भोपाल। 96 के हमारे पीरियड में ही लेटर पीरियड में चक्का जाम को हम लगभग 0 पे ले आए थे, और फिर वो कल्चर धीरे से डिमिनिश भी हो गया। आई थिंक संजीव मेंटेन दैट स्ट्रेटेजी एंड इट वाज फर्दर रीइन्फोर्स, तो उसके अच्छे रिजल्ट आए। तो व्हाट आई एम सेइंग कि जो जो आप कह रहे हो उस पॉइंट को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि द सिचुएशन बिकॉज ऑफ द इनएक्शन इनकम्पिटेंस करप्शन और व्हाट एवर बी द रीजन और इनसेंसिटिविटी ए सिचुएशन वुड बी क्रिएटेड वेयर बाय पब्लिक विल कम ऑन रोड एंड पुलिस बाय वर्च्यू ऑफ द सिक्योरिटी विंग और लाइन ऑर्डर विंग दे विल बी फोर्स टू कम इन इंटरफेस, राइट। एंड ओवर द पीरियड हम लोगों ने जाने क्या नेतागिरी अपनी पैदा कर ली कि वी स्टार्ट टू नेगोशिएट, वी स्टार्ट टू जो है ना डू द कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर, राइट। हमको लर्निंग देता है। एनीवे सर, मैं अभी आ रहा हूँ, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ओवर्ट और कोवर्ट आर्म का, कोवर्ट आर्म पर लैपसेट जो है फाइनली ओवर्ट आर्म के ऊपर आता है, ठीक है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओवर्ट सरकार को ओवर्ट होना पड़ता है क्योंकि और बेसिकली जो कोवर्ट कह रहे हैं प्रिसाइजली इट इज नॉट कोवर्ट, इट इज नॉट कमिंग इन इंटरफेस बाय इट्स ओन जो है ना च्वाइस। कोवर्ट अपन कहेंगे तो इंटेलिजेंस को कह सकते हैं, अपन रॉ को जो है ना कोवर्ट कह सकते हैं, राइट। सीबीआई को भी अपन थोड़ा सा कोवर्ट चाहें तो कह दें, नहीं कोवर्ट सर वो तो बाकी में से कोई कोवर्ट नहीं है। दे आर हैविंग पब्लिक ऑफिसेस, दे आर सपोज टू इवन हैव मोर नंबर ऑफ द इंटरफेसेस टू रिजोल्व द क्राइसिस, राइट। देखिए इस बात को समझने की बहुत कोशिश अपन को करना पड़ेगी कि देखिए लोगबाग जो है ना तहसीलदार पटवारी के खिलाफ वो करते हैं एंड यू विल फाइंड दैट कलेक्टर एंड एवरीबडी इज बिहाइंड देम एंड दे विल बैकअप इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यदि उसने गलती की है। वही बात जब एसपी के सामने आती है और एसपी के खानदार के बारे में कोई गलती बिल्कुल पल्पेबली दिखाई देती है तो एसपी टेक्स नो टाइम इन सस्पेंडिंग हिज मैन, और समटाइम इवन यदि एसपी का रिलक्टेंस भी है तो इंस्ट्रक्शंस कम फ्रॉम द टॉप आल्सो, राइट। बट यदि प्रोएक्टिव एसपी है तो ही विल टेक नो टाइम। सो मेरे ख्याल से जो आप कोवर्ट कह रहे हैं दे बिकम कोवर्ट बाय देयर च्वाइस बिकॉज इट सूट्स देम। वो सुनिए सर, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ सभी, मैं गवर्नमेंट के आर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम पुलिस के आर्म्स के बारे में बात करेंगे सर देन द कॉन्टेक्स्ट विल चेंज, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंटेलिजेंस है, ये सब पुलिस के आर्म्स है। हम अभी बात जो कर रहे हैं सर, अभी क्लियरली बात करेंगे, दो आर्म है गवर्नमेंट के, एक कोवर्ट आर्म है एक ओवर्ट आर्म है।
कोवर्ट आर्म वो होता है जो 24/7 विजिबल नहीं होता है, और ओवर्ट आर्म वही होता है जो 24/7 विजिबल होता है, ठीक है। और बाकी सब क्या कॉल्ड अपन है सर। तो मैं अभी राजेंद्र, एक फ्लैग के साथ वी विल अलाउ टू कंटिन्यू। आई डोंट एग्री विथ योर कोवर्ट एंड ओवर्ट, डजंट मैटर, बट यू प्लीज कंटिन्यू, बट यू प्लीज कंटिन्यू, डजंट मैटर सर, आई अप्रिशिएट योर कंटेंट, यू प्लीज कंटिन्यू। मैं तो अपना थर्ड प्रोसेस से चेक करता हूं सर, आई एम नॉट इंपोजिंग योर थर्ड प्रोसेस, प्लीज 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 कंटिन्यू। मैं ये कह रहा हूं कि देयर इज अ प्रोबेबली डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, कोवर्ट और ओवर्ट को आप और हमारा परसेप्शन के जो यार्डस्टिक है प्रॉब्लम में भी डिफरेंट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैटर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही ऑलवेज अप्रिशिएटेड सर। तो वो ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका मिल गया ना, पर ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एग्री करो, मैं जो कह रहा हूँ उसके साथ आप सुनिए, आप आगे की प्रोसेस में जाइए, जो जो आपका मेन फोकस था 80 और 39 का जो वो था ना, डायरेक्टली डायरेक्टली जब हम उसी में आ रहे थे, हम उसी में आ रहे हैं, हाउ टू एम्पावर द पब्लिक, इसलिए उसमें आ रहा हूँ। हमारा कंसर्न ये नहीं कि अभी हम वी नॉट डिस्कसिंग ऑन ओवर कवर, बट मेरे खाली क्योंकि एक नरेशन करना है इसलिए नरेशन में बोल देखो, एक यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन करें, बिल्कुल सर। अच्छा, वैल्यू एडिशन ये है कि अभी पब्लिक का जो व्यक्ति है वो अकेला लड़ता है, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, राइट। और चूंकि वो अकेला लड़ता है तो उसको कोई भी लतिया देता है, कोई भी उसको गलिया देता है, कोई भी जो है ना उसको उसके इंटेंशन पे डाउट पैदा कर देता है, और वो दैट इज समथिंग लाइक के साथ बड़ा चढ़ा के दिया है, ये दिया है, वो गया है, वो तो शिकायती है, राइट। इस तरीके के जनरलाइजेशन करने का लोगों को मौका मिलता है, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर लेजिस्लेटिव और लीगल अकाउंटेबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो दे आर डूइंग इट नाउ। दिस इंडिविजुअल को यदि हम इंस्टीट्यूशनल बैकअप दे दें, राइट, कि भाई तुम पुलिस के पास जाओ और साथ में उस इंस्टीट्यूशन के पास भी पहुंच जाओ, एंड देन इंस्टीट्यूशन टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व हिज ग्रेवेंस, वट एवर बी द मैं उसी वही सेम चीज की बात कर रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में बात कर रहा हूँ मैं उसको, करेक्ट। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देने की बात कर रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वही, आई एम टॉकिंग द सेम थिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ओनली, ओनली थिंग आई एम आल्सो सेइंग, क्योंकि वो आदमी यदि उसके पास इंस्टीट्यूशन बैकअप है और इंस्टीट्यूशन भी इंडिपेंडेंट, नॉट गवर्न बाय जो है सेल्फिश इंटरेस्ट, क्योंकि वो सेल्फिश इंटरेस्ट में गवर्न होगा तो इट माइट प्रोवाइड सर्विसेज सिलेक्टिवली। नहीं सर, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन सर, इंस्टीट्यूशन का मतलब ये होता है कि वो किसी पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं काम करता है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है, इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हुई है सर, करेक्ट। नहीं तो फिर क्या सर, माफिया एक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है सर, माफिया अपना पर्सनल उसमें काम करता है, तो आप राइट वर्ड बोल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे बन जाएगा तो इट इज आइडियली सपोज टू लूज आउट ऑल दिस इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वो पब्लिक एट लार्ज में आ जाता है। हाँ, इट विल री इन्फोर्स इंडिविजुअल एंड मेक इट कलेक्टिव एंड डिफिकल्ट, इट वुड बिकम फर्दर वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन टू इग्नोर इट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इंस्टीट्यूशन इज एन एग्रीड अपन, इज एन एग्रीड अपन, यदि उस इंस्टीट्यूशन ने वही मैकेनिज्म फॉलो की है जो जिसपे वो इंडिविजुअल डिपेंडेंट कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ रिलेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन यदि वो इंस्टीट्यूशन बुके ऑफ स्ट्रेटेजी के साथ है, जैसे ज्यूम करिए कि 5 लीगल स्ट्रेटेजी हो गई है, राइट, सपोर्टेड विद द 39 एंड 80, राइट। तो आपकी जो है ना 5 जो है ना लीगल उसके ऑप्शन हो गए, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन, फाइव लीगल सपोर्टिंग ऑप्शन, नंबर 1 इट विल स्टार्ट फ्रॉम 154(1), 154(3), 156(3), 482 एंड फाइनली द PIL एंड कंटेंप्ट पिटीशन, दिस 5 थिंग्स विल बिकम बुके ऑफ 5 लीगल ऑप्शंस अवेलेबल विद द इंस्टीट्यूशन टू हेल्प आउट, राइट। सेकंड वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शन, राइट। सो सिंस आपके पास पूरा मटेरियल है तो जो लीगल चलता रहेगा, लीगल के साथ साथ जब इतनी बड़ी हायरार्की खड़ी की हुई है सब इंस्पेक्टर से लेके राइट अप टू द DGP, तो दैट हायरार्की और इंक्लूडिंग द होम डिपार्टमेंट
why not to invoke the administrative accountability and responsibility of these institutions, these hierarchies, right? So that is the second part ho gaya, right? Then third part comes legislative accountability, जहाँ पे हम जो है इंचार्ज मिनिस्टर को घेरेंगे विधानसभा में और पार्लियामेंट में, एंड उसके टॉप पे जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी जो है हम लोगों ने अपनी नालायकी के कारण सरकार को स्वच्छंद बना दिया है, उनका जो बकने का दिल करता है वो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, जहां उनको काम करना होता है वहां काम करते हैं, किसी के ऊपर भी ब्लेम करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो कंप्लाई नहीं करते हैं। यदि जो हम उस जो स्टडी जो कि हमारे कलीग ने नेशनल पुलिस मिशन के तहत की थी, मैं उसको बार बार कोट करता हूं, जिसमें ये पाया गया था कि सीपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जो स्मगलिंग होती थी और द बांग्लादेश बॉर्डर, उसको बाकायदा पकड़ के रटिन में जो है पुलिस को हैंड ओवर किया, एंड पुलिस ने हार्डली 7-8% केसेस में ही कॉग्निजेंस लिया। सो व्हाट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट? बिल्कुल, डूइंग पुलिसिंग इज वन ऑफ द सॉवरन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी अंडर एंट्री 2 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलेस वी टॉक इन दिस फ्रेमवर्क वी वुड नॉट बी डूइंग जस्टिस, हम वो जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे यदि हम एक सरकार को भी, चाहे गिराने के पीछे उनका पॉलिटिकल मकसद भी क्यों ना हो, लेकिन विजिबल कॉज जो है यदि पुलिसिंग है तो हम बाकी जो गवर्नमेंट है चाहे वो पॉलिटिकली उनको कन्वीनियंट है उसके लिए भी पब्लिक प्रेशर क्रिएट होगा कि इनको भी आप जो है ना डिसमिस करिए, राइट? और यदि एक बार हम फोर्थ लेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी तक यदि हम पहुंच गए तो फिर हम और आपको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि जो इंस्टीट्यूशन है ही इज डूइंग द बिग डॉक्यूमेंटेशन। वो विधायक को क्या क्वेश्चन पूछना है, एमपी को क्या क्वेश्चन पूछना है, वो बना के देगा, एंड उसके सपोर्ट में वो बंच ऑफ द डॉक्यूमेंट देगा जो कि जो है ना मे बी रनिंग इन द लैक्स ऑफ पेजेस, किस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, किस जो है ना गवर्नमेंट की औकात है कि उसको कितने समय तक वो इग्नोर करेगा। आज हमने कहा कि साहब इस थानेदार ने 1000 केसेस जो है ना रजिस्टर नहीं किए, अगले सेशन में कहेंगे कि इसने 1500 केस रजिस्टर नहीं किए, आपने पिछली बार भी एक्शन नहीं लिया था, बुड यू टेल कि आपके पैटर्नेज में हो रहा है क्या सर? आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट, देखो क्योंकि पहले हमें जो भी चीज है कहीं ना कहीं हमें बहुत सारे फ्रेमवर्क में हमें और स्ट्रेटेजीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दोज स्ट्रेटेजी शुड बी प्रॉपरली विजिबल एंड शुड बी इन्फोर्सेबल एंड शुड बी फॉलोड लॉजिकली विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन अनलेस वी टेक डिस्क्रीटली। जैसे अज्यूम करिए कि हर केस को हम 482 में हाईकोर्ट नहीं ले जाना चाहेंगे, राइट? एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, हर केस में आप कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में नहीं जाएंगे, लेकिन जहां ग्लेरिंग एग्जाम्पल है द सिस्टम जो है ना शुड हैव इट्स ओन मैकेनिज्म टू ग्लेरिंग एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए। बस दिस आई वांटेड टू ऐड। डू यू अग्री विथ माई एनालिसिस अबाउट? आई हैव नो टू ओपिनियंस अबाउट द एनालिसिस दैट यू हैव मेड, बट सर मैं जो क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ कि कल एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा कल एक किसान मुझे जानता है, वो किसान कल गया, मेरी बात हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, इफ को आपने सुना होगा, तो वो फर्टिलाइजर्स का सेल करता है, वो एक बड़ा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जब वो गया, इट इज ए कंपनी सर, तो वो जो इफको में गया, इफको का एक बाजार होता है, बहुत डिस्ट्रिक्ट में लगभग है उनका, इफको बाजार बोलते हैं उसको, तो फर्टिलाइजर लेने गया। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ग्रीवेंस का, तो वो उसने कल मुझे फोन किया, बोला सर मैं यहाँ फर्टिलाइजर लेने आया हूँ और ये आदमी मेरे से बदतमीजी से बात कर रहे हैं लोग, ठीक है, और एक बहुत बड़ा किसान है वो, ठीक है, और कम से कम 600 बीघा जमीन है उसके पास, वो ये जानता है मेरे पास आता है कभी कभी। तो मैं बोला कि हाँ, बोला बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, बोला सर बदतमीजी से, पहले तो उसने पुराने स्टॉक निकाल के मुझे पकड़ाया, ठीक है सर, बड़ा किसान इतने ज्यादा खरीदना फर्टिलाइजर खरीद रहा था, तो बोला कि मैंने जब बोला कि यार पुराने स्टॉक मतलब फ्रेश स्टॉक मुझे दो, तो उसने बोला तुझे लेना है तो ले, मत नहीं तो जा, यही मिलेगा तुझे।
और बोला कि उसने कई बोरे में सर मैंने जब तुलवाया तो 50 किलो की जगह 44 किलो था, ठीक है ओके। उसने मुझे फोटो भी भिजवाया है जो अच्छा उन्होंने क्या कर बैंक का तौल का तौल का फोटो भिजवाया है उसका जो उसका फोटो भिजवाया सर जो बैग का जो नहीं, तो बैग, नहीं नहीं तो बैग जो है ना 45 का है या 44 का है ये तो जब वेइंग मशीन पर रखेंगे तब मालूम पड़ेगा ना। वो तो वेइंग मशीन में रख के भिजवाया ना सर वही तो फोटो मशीन में अच्छा ओके सो बेसिकली वेइंग मशीन के साथ फोटो भिजवाया है ना। उसने लिखा 50 केजी लिखा हुआ है इसमें देखिए सर 44 किलो हो रहा है ये 6 किलो इन्होंने निकाल दिया है। और बोला कि ये सर रूटीन चीजें हैं ये लोग यही करते हैं कि इसमें निकलवा लेते हैं और हमको कम देता है मिलता है और किसान तो सर हम कई कितने बड़े किसान हो ये हमें क्योंकि टाइम का वो रहता है प्रॉब्लम रहता है हमारे साथ में और फर्टिलाइजर मिलता नहीं है इसलिए हमें बाध्य है लेने के लिए हम ठीक है जो तो सर हम 2 दिन लेट कर देंगे तो फर्टिलाइजर फिर हमारे तो फसल ही खराब हो जाएगा ठीक है बिल्कुल सही है सर। तो बोला जो मजबूरी बोले सर ये तो मैं बड़ा किसान हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसे करते हैं छोटे मोटे किसान को तो इंसान ही नहीं मानते हैं लोग ठीक है। और बोला कि मैंने अपने भतीजे को पहले भिजवाया उसे बदतमीजी किया तो मैं खुद आया मेरे से बदतमीजी कर रहा है ठीक है। तो मैं बोला ठीक है सर ये ऐसा प्रॉब्लम सर आए दिन रोज हमारा कम जन जो आम जनता फेस करती है सर तो हम इसको कैसे रेमेडी दे सकते हैं कैसे उसको रिलीफ दे सकते हैं ये मुझे बताइए सर। आपने इतना पूरा फ्रेमवर्क बताया सब कुछ बताया मैं एक छोटा सा मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसका इसका तरीका ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है वो सर्विस जो है ना शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू ए काइंड ऑफ ए क्राइम फ्री भारत ऐप राइट। और उसमें जो है उसका बिहेवियर बिहेवियरल एस्पेक्ट जो है उसमें कवर करने का सिस्टम होना चाहिए ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर से फोन लगाऊं हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है ना राइट सो देन वी विल हैव द सेकंड लेग ऑफ दिस राइट ओके थैंक यू।